भाई तेजस्वी फोबिया का इलाज क्या है? इसका इलाज 2021 में वैक्सीन निकलेगा, बीजेपी का इलाज हम लोग करेंगे। सरकार की मंशा और नियत खराब है, इसीलिए हमारे अन्नदाता भाई जो देशवासियों का पेट भरते हैं वो भूखे हैं। तो दिल्ली में तेजस्वी यादव जी वहाँ आंदोलन को, जो किसानों को मदद करने का काम कर रहे हैं। बीजेपी शासन प्रशासन में बैठी है, यहाँ बिहार के लोगों का, व्यापारियों का अगवा किया जा रहा है, अपहरण किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़ और मैं हूँ शिवम कुमार। कृषि बिल को लेकर लगातार पुरजोर तरीके से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि राजधानी पटना में भी एक बार फिर से आज कृषि बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। लेफ्ट की जितनी भी पार्टियां हैं वो सभी मौजूद रहते हैं, साथ ही साथ कांग्रेस भी मौजूद रहती है, लेकिन इस विरोध प्रदर्शन में राजद जो है वो पूरी तरह से नदारद दिखती है। इसी सब सिलसिले में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं। मृत्युंजय जी, आज कृषि बिल को लेकर एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन किया गया, राजद इस विरोध प्रदर्शन से नदारद दिखी? नहीं, ये किसने कह दिया आपको नदारद दिखी? राष्ट्रीय जनता दल की, हमारे नेता की USP है, हम किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, नौजवानों के साथ, शोषितों के साथ खड़े रहते हैं। तेजस्वी यादव जी ने ही धरना हो चाहे भारत बंद का, ये याद रखिए, ये आंदोलन ये किसानों का है। किसानों के आंदोलन को राजनीतिक पार्टियां समर्थन दे रही है, हम लोगों ने समर्थन दिया है, हमारे नेता वहां, क्योंकि आंदोलन तो दिल्ली में केंद्रित है, तो दिल्ली में तेजस्वी यादव जी वहां आंदोलन को, जो किसानों को मदद करने का काम कर रहे हैं, कोरोना काल के समय भी उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों में जो बिहार के लोग फंसे थे मदद पहुंचाई थी, तो आंदोलन को समर्थन दे करके, उस आंदोलन की मजबूत आवाज़ बन करके राष्ट्रीय जनता दल खड़ी है और तब तक खड़ी रहेगी जब तक किसान भाई हमारे सम्मानजनक समझौता के साथ वार्ता करके उनको वाजिब हक और हकूक नहीं मिल जाता है। अच्छा, बीजेपी ये कह रही है कि तेजस्वी यादव एक बार फिर से गायब हो गए हैं, दिखाई नहीं दे रहे। बीजेपी शासन प्रशासन में बैठी है, यहाँ बिहार के लोगों का, व्यापारियों का अगवा किया जा रहा है, अपहरण किया जा रहा है। सरकार कैबिनेट मीटिंग तो इतने दिनों से नहीं कर पा रही, कैबिनेट विस्तार नहीं हो रहा है, सरकार नाम की कहीं कोई चीज़ दिख नहीं रही है। उस पर 19 लाख रोजगार की बात की थी चुनाव में, उस पर नहीं बोलती। कोरोना वैक्सीन फ्री में देंगे, उस पर नहीं बोलती। वो तेजस्वी यादव जी हैं तो तेजस्वी यादव जी पर बोलेंगे, नहीं है तो बोलेंगे, दिल्ली में है तो बोलेंगे, पटना में धरना में है तो बोलेंगे। भाई तेजस्वी फोबिया का इलाज क्या है? इसका इलाज 2021 में वैक्सीन निकलेगा, बीजेपी का इलाज हम लोग करेंगे। अच्छा, एक बात और है, MSP को लेकर सरकार ये कह रही है कि हम लिखित तौर पर देने के लिए तैयार हैं। देखिए, सरकार के बातों पर किसान को यकीन क्यों नहीं हो रहा? जो सड़कों पर किसान भाई अन्नदाता हमारे बैठे हुए हैं 18 दिनों से, उनको सरकार क्यों नहीं मना पा रही है, क्यों नहीं संतुष्ट कर पा रही है? कहीं ना कहीं सरकार में कुछ खामियां हैं, त्रुटियां हैं, सरकार की मंशा और नियत खराब है, इसीलिए हमारे अन्नदाता भाई जो देशवासियों का पेट भरते हैं वो भूखे हैं। सरकार को शर्म आनी चाहिए, जिस देश का किसान सड़कों पर हो उस देश का तो भगवान ही मालूम। किसान सम्मान यात्रा निकालने की भी बात कर रही है। अरे भाई, जिसने किसानों का किया अपमान वो क्या किसानों का करेगी सम्मान? जिसने किसानों को कर दिया बदहाल वो क्या लगाएगी चौपाल? ये सबसे काम नहीं चलेगा। किसानों के साथ आपने अत्याचार किया है, किसानों पर जुल्म ढाया है, ये सरकार और बीजेपी किसान विरोधी है, ये उजागर हो गया देशवासियों के सामने। अब ये लाख दलील दे, इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। हर जुल्म का सूरज लाख जले पर शाम को ढलना पड़ता है, तख्त बदलेगा, ताज बदलेगा, किसान विरोधी ये सरकार भी बदल जाएगा। चलिए, तो ये थे मृत्युंजय तिवारी, जिनका सीधे तौर पे कहना था कि जो सरकार किसान का अपमान कर रही है वो सम्मान कैसे
दिलाएगी। ऐसे ही अपडेट आपको रिपब्लिकन न्यूज पहुंचाते रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।